पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूजीलैंड की जानिब से दिया गए 153 रन के हदफ में पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर यह हदफ हासिल कर लिया। हदफ के ताकुब में कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इनिंग का आगाज किया और टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी। बाबर आजम के बल्ले ने रन उगले और उन्होंने 42 गेंदों पर 53 रन की इनिंग खेलकर टीम की जीत की बुनियाद रखी। पाकिस्तान टीम का पहला नुकसान 105 पर उठाना पड़ा जब बाबर आजम 53 रन पर पवेलियन लौटे, जिन्हें इनिंग के 13वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने कैच आउट करवाया। उनके आउट होने के बाद मोहम्मद रिजवान ने अपनी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल की, लेकिन उनके साथ मोहम्मद हारिस ने मोहतद अंदाज में बैटिंग जारी रखी। मोहम्मद रिजवान 57 रन बनाकर 17वें ओवर में कैच आउट हुए और इस वक्त पाकिस्तान का मजमू स्कोर 132 था। मोहम्मद हारिस और उनके साथ शान मसूद ने टोटल 151 रन तक पहुंचा दिया। ताहम जीत से 2 रन कबल मोहम्मद हारिस कैच आउट हो गए और उनके काबिल जिक्र 26 गेंदों पर 30 रन बनाए थे। शान मसूद ने विनिंग रन लेकर टीम को T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की जानिब से ट्रेंट बोल्ट ने 2 और मिचेल सैंटनर ने 1 विकेट हासिल की। इससे कबल सिडनी में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की दावत मिलने पर पहले ओवर में ही शाहीन शाह अफरीदी ने कीवी ओपनर को वापस पवेलियन भेज दिया। मैच की तीसरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने फिन एलन को 4 रन पर LBW आउट किया। न्यूजीलैंड के जारहाना बैटर डेवन कॉनवे को 6वें ओवर में शादाब खान ने रन आउट किया। मोहम्मद नवाज ने 8वें ओवर में 49 के स्कोर पर अपनी ही गेंद पर कीवी बैटर ग्लेन फिलिप्स को कैच पकड़ के पाकिस्तान को तीसरी कामयाबी दिलवाई। शाहीन शाह अफरीदी ने 17वें ओवर में ड्रेल मिचल्स और केन विलियमसन की पार्टनरशिप को तोड़ते हुए पाकिस्तान के लिए 4थी विकेट हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी ने 117 के मजमू स्कोर पर विलियमसन को 46 रन पर बोल्ड किया। न्यूजीलैंड की टीम ने मुकर्रा ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बनाए थे। ड्रेल मिचेल 52 और जिमी नीशम 16 रन बनाकर नट आउट रहे थे और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स को अबूर करते हुए फाइनल में पहुंच चुकी है और दूसरी टीम जो कि इंग्लैंड और इंडिया है उनके दरमियान दूसरा सेमीफाइनल कल के रोज एडिलेड ओवल में खेला जाएगा और कल फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगी। दोस्तों इस बारे में आप सबकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप के फाइनल में टाकरा पड़ेगा या फिर इंग्लैंड और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलेंगे। मज़ीद ऐसी क्रिकेट की न्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आजकल को। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।